हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक जॉइनिंग लेटर आया है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन क्या करना है कैंडिडेट्स को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आए हैं और क्या क्या बता रखा है इसमें, ये आपके सामने है। अपन इसे अभी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही अपडेट इस चैनल पर आती रहती है। अब बातें बहुत हो गई, देख लीजिए ऊपर नाम गौतम पांडे उपाध्याय। इनक्लोज्ड प्लीज़ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर टेली टेली कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न रेलवे अगेंस्ट CN, अपना जो एडवर्टीजमेंट नंबर आया था 03/2018 फॉर एक्सेप्टेंस कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड सबमिशन ऑफ द सेम टू ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे 17 NS रोड रेफलिन प्लेस कोलकाता। आप ये देख सकते हैं, इन्हें बताया गया है कि जो जॉइनिंग लेटर है पूरा का पूरा आपको हमने नीचे अभी मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिया गया है। अगर आपकी एक्सेप्टेंस है तो आप वो फॉर्म भरिए पूरा का पूरा जो जॉइनिंग लेटर है, और उसे लेकर ये जो पूरा का पूरा एड्रेस दे रखा है ईस्टर्न रेलवे 17 NS रोड कोलकाता, ये पूरा का पूरा भर के हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए और हमारे पास आ जाइए। फिर आपकी जो जॉइनिंग है वो विद इन 15 या 20 दिन में हो जाएगी, बट वो फॉर्म जो पूरे के पूरे आप भरेंगे वो प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट रह जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जॉइनिंग पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। आपको फिर जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स स्पेशली मुझे क्वेश्चन करते हैं कि सर, स्पेशली सर मत बोलो, मैं भी एक 21 साल का लड़का हूँ तो भाई बोला करो, मैं आपसे छोटा हूँ। तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स रह जाना मतलब ये नहीं कि आपकी जर्नी एंड हो जाना, आपको मौका मिलेगा बट आपका जो जॉइनिंग का प्रोसीजर है वो बढ़ जाएगा, फिर आपको एक और डेट दी जाएगी। आप जानते हैं मतलब रिस्क का ही काम है वो, तो इसीलिए पहले से ही सब डॉक्यूमेंट तैयार रखें। मात्र एक पड़ाव दूर हो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, वो भी रेलवे का हिस्सा बनने से, तो क्यों मिस करना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा दे रखा है, जी गोपाध्याय सीनियर पर्सनल ऑफिसर सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन फॉर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे। अब दोस्तों ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मैं ये भी डिस्कस करूँ, क्योंकि दोस्तों ये पूरा मैंने वीडियो बना रखा है, इस पर 10-12 मिनट का एक वीडियो है पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स, तो इसके साथ मैं अटैच नहीं करना चाहता। अगर आपके हाँ हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल उसे थोड़े दिनों में या हो सके तो आज इवनिंग तक उसे पोस्ट कर दूंगा। तो आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। होप आप सभी को ये जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है और जो ये ईमेल मैसेज और पोस्ट के द्वारा जो जॉइनिंग लेटर आ रहे हैं ये आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरे भाई लोग हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचें। अगर पहुँच जाती है और आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। अगर आपकी हाँ है और आप चाहते हो कि नहीं भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं पूरे के पूरे, आप देख रहे हैं पेज नंबर 2 ये एक्सक्यूजर और पूरा का पूरा आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हो सके तो मैं थोड़ी देर से ही वीडियो बन के पूरा रेडी पूरा पोस्ट कर दूंगा। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपसे मिस हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वंस अगेन अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सभी को हैप्पी होली, और ध्यान रखें अपना, पक्के कलर से ना खेलें। और बहुत सारे जो लोग हैं वो पक्के कलर ले आते हैं, फिर वो निकलने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग जो जॉब पे जाते हैं तो आप जान सकते हैं उन्हें जॉब पर बहुत सारी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए हैव अ सेफ होली। आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।